नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, 1 फरवरी को जो है आम बजट, यूनियन बजट आने वाला है। उसी के साथ साथ रेलवे बजट भी पेश किया जाता है। और दोस्तों, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा इस बात की होती है कि बजट हमें समझ नहीं आता है, और जो हम न्यूज़ में और न्यूज़पेपर्स में और जहाँ से भी बजट के बारे में खबरें सुनते हैं, वो हमें समझ में तो आती हैं, लेकिन उनका अमाउंट जो होता है, हमें ये समझ नहीं आता कि वो हम लोगों के ऊपर किस तरीके से अप्लाई होगा, क्या क्या हमें फ़ायदे हुए हैं बजट से, क्या क्या नुकसान हुए हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ये समझने के लिए दोस्तों, यूनियन बजट जो है मिनिस्ट्री ऑफ कह सकते हैं फाइनेंस ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। दोस्तों, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। और ऐप का नाम रखा गया है दोस्तों यूनियन बजट करके, और यूनियन बजट एप्लीकेशन नाम को आपको जो है डाउनलोड कर लेना है। देखिए, यहाँ पर ये जो दिख रही है आपको, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर NIC ने इसको बनाया है। यूनियन बजट पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, काफ़ी अच्छा ऐप है। लास्ट ईयर का पूरा बजट इसमें जो है यहाँ पर डला हुआ है PDF की फॉर्म में। आप दोस्तों इसको यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, छोटा सा ऐप है, और इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस NIC के द्वारा डेवलप किया गया है यूनियन बजट। हम एंटर पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ से दोस्तों ये जो है लोड हो रहा है। देखिए, लिखा गया है वित्तीय वर्ष 2021 और 2022। भाषा लिखी हुई है दोस्तों हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पर वित्तीय वर्ष अभी जैसे ही 22-23 और जो बजट आने वाला है उसके लिए भी जो है यहाँ पे दोस्तों पूरे पैनल जो दे रखे हैं वो PDF की फॉर्म में आ जाएंगे। आप भाषा यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश करना चाहें, ये यहाँ से ट्रांसलेट होकर इंग्लिश हो गई है, और यहीं से जो है दोस्तों आप इसको हिंदी भी कर पाएंगे। अब दोस्तों, जो आप यहाँ पर मेन्यूज देख रहे हैं, फीचर्स देख रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। बजट पत्रों का संक्षिप्त परिचय, मुख्य विशेषताएं, बजट भाषण, बजट एक नज़र में, वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्तीय विधेयक, उपबंधों का जो है व्यामात्मक ज्ञापन, प्राप्ति बजट, व्यय की रूपरेखा, व्यय बजट, अनुदानों की मांगे, ये जो दे रखी हैं दोस्तों। अब हमें जो भी देखना होता है, जो भी क्राइटेरिया होता है, जैसे कि मान लीजिए हम बजट भाषण देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए, ये डायरेक्ट PDF में ओपन हो गया है, जो बजट का भाषण हमारी मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने दिया था, वो यहाँ पे देखिए दोस्तों ओपन हो गया है। और ये पूरा बजट का भाषण जो है PDF फॉर्मेट में यहाँ लिखा हुआ है। बजट 2021-22 निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री का भाषण, 1 फरवरी 2021 को ये जो है पेश हुआ था। ये देखिए दोस्तों, इसकी विषय सूची दी हुई है, इसमें पूरा बजट लिखा हुआ है। आप हिंदी में डाउनलोड करें हिंदी में हो जाएगा, इंग्लिश में करें इंग्लिश में हो जाएगा, और यहाँ पर पूरा एक एक चीज़ जो वहाँ पढ़ी जाती है ये यहाँ पर लिखी हुई है दोस्तों। इसी तरीके से आप मुख्य विशेषताओं पर क्लिक करेंगे तो उसकी भी PDF जो है यहाँ पर दोस्तों लोड हो रही है, और इसमें जो है पूरी विशेषताएँ देखिए आपको ग्राफिकल तरीके से समझाई गई है। शताब्दी में एक बार संकट आने की स्थिति में, और हम हैं रिकवरी की ओर अग्रसर, ये दोस्तों सारी चीज़ें बताई गई हैं। GDP ग्रोथ किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में काम चल रहा है, ये बजट से संबंधित दोस्तों। इसी तरीके से वार्षिक वित्तीय विवरण आप देख सकते हैं, आप यहाँ क्लिक करेंगे, अंदर अलग अलग क्राइटेरिया बनाए गए हैं, भारत की समेकित निधि, भारत का लोक खाता, आप यहाँ क्लिक करेंगे, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं अलग अलग आपको प्राप्तियाँ मिली हुई हैं। और आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको एक एक चीज़ की जानकारी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, भारत का लोक खाता, यहाँ पर एक एक विभाग की, एक एक बचत, राष्ट्रीय लघु बचत निधि, एक एक चीज़ की जो है दोस्तों यहाँ पर डिटेल दी हुई है। और यहाँ पर एक्चुअल पुराने उससे भी कैलकुलेट किया गया है, कंपेयर किया गया है, और ये पूरा बजट जो है करोड़ों में दर्शाया गया है दोस्तों। इस तरीके से आप पूरे आम बजट को, रेलवे बजट को जो है यहाँ से दोनों ही बजट को देख सकते हैं दोस्तों। ये इतने क्राइटेरिया बनाए गए हैं, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। अब जैसे ही 1 तारीख को बजट प्रस्तुत होगा, उसके बाद इस एप्लीकेशन को अपडेट किया जाएगा, और अपडेट करने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पर पूरा बजट भाषण और पूरे बजट की चीज़ें एक एक करके आपको मिल जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनको कि फाइनेंस के जब क्वेश्चन होते हैं, फाइनेंस सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं, तो उसमें बजट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स
भी इसी चीज में आ जाता है। आपको बजट अगर पेश होने वाला होता है आपके एग्जाम्स के नज़दीक, तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आते हैं। एक एक चीज़ दोस्तों आप इजीली आप पढ़ सकते हैं, और ये ऐप क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ऐप है, तो यहाँ जो जानकारी होगी दोस्तों वो पूरी तरीके से सही होगी और सत्य होगी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये ऐप पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों को, परिवार को, रिश्तेदारों को, सभी को शेयर कीजिए। उन्हें भी बताइए कि बजट को हम किस तरीके से देख सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।